फर्रुखाबाद में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ की जमकर मारपीट। एक दर्जन से अधिक दबंगों ने पेट्रोल पंप पर बोला हमला। पेट्रोल पंप की मालकिन व कर्मचारियों के साथ जमकर की अभद्रता। पेट्रोल पंप मालिक ने दबंगों पर सोने की चेन तोड़ने का लगाया आरोप। पेट्रोल पंप पर चल रहा था मेंटेनेंस का कार्य। दबंगों ने बोरिंग के लिए लगाए गए पाइपों को उखाड़ कर फेंका। दबंगों का उपद्रव करते हुए पाइप गिराते हुए सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दबंग भीड़ एकत्रित होने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हुए। पेट्रोल पंप की मालकिन ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के कुमार पेट्रोल पंप का मामला। क्या नाम है आपका? अंकुर त्रिवेदी। क्या घटना हुई आपके साथ? हम लोग अपने पंप पे थे, मेंटेनेंस का काम चल रहा था और जो जिनसे लीज पे ज़मीन है वो लोग आए 15-20 लोग, जो उनके बेटे भी थे, वो चारों पांचों भाई थे। उन्होंने आके गाली गलौज करी, मारपीट करी लेबर के साथ और वो बोरिंग वाला पाइप गिरा दिया, जो हमारे मैनेजर बबलू भाई उनके सर पे गिरा। कौन लोग थे वो? वो ज्ञानेन्द्र किशन वर्मा, ओम वर्मा और वही 3-4 भाई थे और 10-15 लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? गड़ी कोना फरुखाबाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भोलेपुर। वो लीकेज था तो इस वजह से कंपनी कुछ मेंटेनेंस का काम करा रही थी और जो इसके लैंडलॉर्ड थे वो आके यहाँ पे आके लड़ाई फैलाने लगे, गालियाँ देने लगे हम लोग। जमीन मालिक क्या नाम है इनका? जमीन मालिक क्या नाम है इनका? ये उनके ज्ञानेन्द्र किशन के नाम बेटे हैं। आज जो विवाद हुआ था किस बात को लेकर? वो विवाद इसलिए हुआ कि हमारे पंप पे जो मेंटेनेंस का कार्य हो रहा था वो उसको रोकने आए थे, जबकि पेट्रोल पंप मालिक हैं आप इसकी? जी, इसी की। क्या नाम है? रचना। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे आके उन्होंने झगड़ा शुरू, पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, तो हमने उनको बताया जो आपको पहले बताया गया था कि कंपनी के द्वारा कुछ मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा है। और उस टाइम भी ये आए थे, तब भी इन्होंने यही झगड़ा फैलाया था और इस बार आके इन्होंने अज्ञात लोगों को भेजा हमारे पंप पे। हम किसी को भी नहीं जानते। इस पंप का न्यायालय में भी मुकदमा क्या जी चल रहा है? इस पंप का न्यायालय में मुकदमा चल रहा है कंपनी से, जिसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है ना हम। यहाँ पे जो दबंग आए थे, क्या क्या नाम है उन लोगों के? दबंग उनके 15-20 लोग आए और गाड़ियों से भी आए। कुछ पहले 2 लोग आए, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, चारों तरफ से उन्होंने हम लोग को घेर लिया। आपने पहले दिए थाने? हाँ, दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अब तक? नहीं की है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी अगर हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है क्या? जी, हमारे पास सारे सीसीटीवी कैमराज हैं और उससे सारी फुटेज आप निकाल के देख सकते हैं, घटना पूरी उसमें कैप्चर हो चुकी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।